तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो एक बार मैग्नेट है जिसका अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बार मैग्नेट पहले हम लोग बना लेते हैं, जिसका यहाँ पर एक बार मैग्नेट है और इसके पास अपना खुद का पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो दिस इज द बेसिकली द पोल स्ट्रेंथ, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच का लेंथ एल, ठीक है ना, इनके बीच का लेंथ पोल स्ट्रेंथ। तो ये एम था, तो ध्यान रखना कि जो एम होता है जिसे पोल स्ट्रेंथ जो है और एल जो होता है, जब मैग्नेटिक ऐसा भी हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैग्नेट टेढ़ा भी हो जाएगा, अगर ये मैग्नेट टेढ़ा हो गया तो हमें इस टेढ़े लेंथ से मतलब नहीं है। जो एल है यहाँ पर वो सीधा लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ, दिस इज एल, सीधी लेंथ, ठीक है। अगर ये मैग्नेट कैसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो जाए तो मुझे इससे मतलब नहीं है। दिस इज द मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट हो जाए, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो वी विल नॉट कंसीडर यहाँ पे जो एल है, ये जो एल यूज हुआ है दैट इज स्ट्रेट लेंथ, दैट इज स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट लेंथ है ये, ठीक है ना, स्ट्रेट लेंथ है। तो अब ये स्ट्रेट लेंथ ये जो है एल काउंट होगा, ना कि ये पूरी लेंथ काउंट होगी, ठीक है। तो उसी तरह से जब ये बार मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे मोड़ देता हूँ, ऐसे एक आर्क बना देता हूँ, इस मैग्नेट का एक आर्क बना दूँ, तो आर्क बनाने के बाद ये जो है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो पोल स्ट्रेंथ अभी भी एम ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो सेंटर, ये जो आर्क है, ये आर्क ये सेंटर वो है, दैट एंगल इज 60 डिग्री, तो ये आर है और ए भी आर है। तो यहाँ पे जो इनके बीच का अब जो लेंथ काउंट होगा, अब मैं अगर लेंथ लिखूंगा, ये वाली जो लेंथ है दैट इज लेंथ, यहाँ से एल डैश हो गया और एल डैश की जो वैल्यू है और मल्टीप्लाइड बाई पोल स्ट्रेंथ दैट इज न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ से एम डैश, ठीक है। तो नई मैग्नेट में एम डैश और ये जो एल डैश है, अगर ये आर है और ये आर है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एल डैश की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा एम आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो आर है पूरा इस ये यहाँ से लेके ये जो पूरी लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ एल थी, और यहाँ से आर के इज इक्वल टू लेंथ एल और एंगल थीटा मल्टीप्लाइड बाई रेडियस के इक्वल होगा, तो थीटा 60 डिग्री पाई बाई थ्री और यहाँ से पाई बाई थ्री और दैट इज आर, ठीक ना। तो यहाँ से जो आर की जो वैल्यू आएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3, यहाँ 3 एल अपन पाई के इक्वल आ जाएगी। तो जो नई मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश आ जाएगा वो एम आर के आ जाएगा, तो एम और आर की वैल्यू 3 एल अपन यहाँ से पाई के इक्वल आ जाएगी, और यहाँ से 3 पाई और जो ये वाली जो एम एल था पुरानी मैग्नेटिक मोमेंट ये, तो 3 पाई अपन मतलब डी ऑप्शन यहाँ से सही है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।